इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। किसी बच्चे ने पूछा है तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, और भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया बता दिया गया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान 2.5×10⁴ मोल प्रति लीटर पर सेकंड। तो पहले तो विघटन हो रहा है, विघटन का मतलब होता है टूटना। तो देखिए अमोनिया का जब अणु टूटेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस में परिवर्तित होगा। इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो अमोनिया। तो आपको बताया गया है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक की घात पे लिखी जाती है। तो अभिक्रिया की दर बराबर होगा K NH3⁰ और किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 हो जाता है, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, K के बराबर हो जाएगी। और इस रिएक्शन के आधार पर अगर अभिक्रिया की हम दर लिखेंगे तो ये जो गुणांक होता है ये -1/2 हो जाएगा। DNH3/dt बराबर DN2/dt 1/3 DH2/dt। N2 के उत्पादन की दर DN2/dt, ये N2/dt लिखा है। तो DN2/dt आप यहाँ से देखेंगे, DN2/dt बराबर क्या है, K है ना। तो DN2/dt की जगह पर हम क्या लिख देंगे, K लिख देंगे। ये DN2/dt क्या है, ये अमोनिया के उत्पादन की दर है, ये बराबर K है, और K का मान है 2.5×10⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन के उत्पादन की दर। ये एक आंसर आ गया आपका। उसके बाद देखिए हमें हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, मतलब DH2/dt। तो DH2/dt हमें इसका मान निकालना, तो ये 1/3 DH2/dt बराबर K है। तो DH2/dt बराबर क्या हो जाएगा, 3K। यहाँ से यहीं से निकाला जाता है ना, तो 3K हो जाएगा। K का मान यही है, तो आप रखेंगे तो हो जाएगा 7.5×10⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 20वां क्वेश्चन देखें, 543 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये आंकड़ा आपको दिया गया, T=0 पर इतना प्रेशर है, T=360 पर इतना प्रेशर है, 720 सेकंड पर इतना प्रेशर है। तो ये जो है एजो आइसोप्रोपेन का फार्मूला है, जब इसको गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी और हेक्सेन निकलेगा। तो T=0 पर मान लीजिए प्रेशर क्या है, P0। T=360 सेकंड प्रेशर P0-P हो जाएगा, कुछ ये अपघटित हो जाएगा। तो इसका जब ये अपघटित होगा, इसका मतलब क्या, इसकी मात्रा घटेगी, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न प्रेशर है वो भी घट जाएगा। तो 1 मोल के अपघटन से 1 मोल ये बन नाइट्रोजन बन रहा है, 1 मोल हेक्सेन बन रहा है। तो जितना इसका प्रेशर कम होगा, ये P0-P लिखा हुआ है, तो ये भी P बनेगा, ये भी P घटेगा, ये तो ये P बढ़ेगा, ये भी P बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं। तो ये P घटेगा, तो ये भी P बढ़ेगा, बनेगा, ये भी P, इसका प्रेशर आएगा। तो 360 पर कुल दाब PT बराबर क्या हो जाएगा, P0-P + P + P, P P से कट जाएगा, तो P0+P हो जाएगा। तो यहाँ से आप P निकाल सकते हो, P0-P0। अब देखिए जब हमें वो अभिक्रिया होती थी, ये आपको इसमें दिया नहीं है लेकिन ये पता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होती है, और फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए K बराबर क्या होता है, 3.303 log A0/A, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो पहले हम A0/A का मान निकालेंगे। तो प्रेशर के सापेक्ष जो A0 होता है उसकी जगह पर P0 लिखते हैं, और जो A होता है उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, उसकी जगह पर हम लिखते हैं अभिकारक की उस समय पर क्षमता। तो अभिकारक की उस समय पर क्षमता क्या है, P0-P। तो यहाँ से हमने P का मान निकाल लिया, ठीक है, P0/P0-P, P का मान है
तो जब इसको हम रखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो पी नाट प्लस हो जाएगा, 2P0 - PT हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है प्रथम कोट के अभिक्रय के लिए, के बराबर 2303/T log P0/2P-T। तो आप देखिए 360 पे जो प्रेशर दिया है ये P0, तो 2P0 का मतलब 5 × 70 हो जाएगा, अब ये क्या है 360 पे प्रेशर है 54, है ना, तो ये हो जाएगा 70 - 54। 2303/360 log 35/70 में से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 2.1875 आ जाएगा। इसका लॉग ले लेंगे 2303/360 0.339, इसको हल करेंगे तो 0.00216 यानी 0.0022 लगभग, ये 6 छोड़ेंगे तो इसको 1 बढ़ा देंगे, दशमलव कितने अंक जाएगा 1, 2, 3 अंक जाएगा, 10³ 3 7 5 सेकंड। इसी प्रकार के बराबर होगा 2303/720 लॉग 35/70 - 63, है ना, PT जो है 63 है, तो यहाँ घटाएंगे 7 आएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, लॉग 5 का मान होता है 0.698, हल करेंगे तो 0.0223, 2.23 × 10³ 3 7 प्लस सेकंड। तो ये इसका आंसर आ गया, किसको कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा।